तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चार चाय। और आज हम लेट नाइट शूटिंग कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद हम चारों बैठे हैं एक साथ फ्रेम में, जैसे कि आप जानते हैं। तो आपने देखा होगा नया सेटअप भी है आज, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, हम लोग आज जो रिकॉर्ड करने आए हैं वो इसके ऊपर है, जो लोग आजकल रिलीजन को यूज़ कर कर अपनी पावर कलेक्ट करने के बाद उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। चार चाय। सो गाइज, जो फर्स्ट केस मैं लेके आया हूँ वो है आशाराम बापू जी का। और मैं जब ये केस हुआ हम लोग बिलीव नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे जो घर के साइड में जो हमारे नेबर्स हैं वो इन बाबाओं को बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान से ऊपर मानते हैं। अरे हाँ, भगवान से ऊपर तो मैसेंजर्स होते हैं ना सच में, पर ये उनको भगवान ही मानते हैं। मुझे याद है कि जब बहुत बचपन की बात है, हम छोटे थे तो वो घर पे आए थे, उनके साइड में हमारे पड़ोस में आए थे वो बाबा आशाराम। आशाराम आया था भाई। बिल्कुल पड़ोस, बिल्कुल उससे पहले मानोगे नहीं, 10 स्नाइपर्स आए थे, इतनी पुलिस आई थी, स्नाइपर्स पूरे छत पे आ गए थे, अलग सामने वाले घर में मेरे घर के ऊपर छत पे पूरी सिक्योरिटी, पहले पूरी Z+ सिक्योरिटी थी, पूरी सिक्योरिटी आई थी, फिर वो आए थे, बहुत सारी गाड़ियां आई थी, सारी SUVs, और उनमें से एक गाड़ी में वो थे, वो पता नहीं था किसी को भी किस गाड़ी में हुआ। तो वो आए और पूरा मतलब गली डेकोरेट हो रखी थी, वो आए बस उनके घर में आए, 5 मिनट बैठे होंगे टू गिव ब्लेसिंग्स एंड ऑल, मतलब अपने आप आते हैं, बुलाया जाता है। और वो भी तुम्हें अपने आपको वर्दी प्रूफ करना पड़ेगा तभी आएंगे, समथिंग कुछ सपोर्ट करके, कुछ सेवा करके, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, जो हमारे साइड में ना वो बिजनेसमैन है, तो वो इन आशाराम बापू जी के प्रोडक्ट्स बहुत सेल करते हैं अपनी शॉप पे रख के। क्या समझ रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स इसके, हर चीज है, शैम्पूज और रोब्जा की बॉटल्स, इवन अभी भी करते हैं वो जबकि वो जेल में। गुलाब उनका ब्रांड है, गुलाब करके कोई रोब्जा की कॉपी कह लो, गुलाब उनका ब्रांड है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद उनको बुला लिया था, 5 भी नहीं आई थिंक, 2-3 मिनट बाद ही बुला लिया था, सिर्फ घर के लोग, बाकी और कोई अलाउड नहीं था। अच्छा, बाकी हम सब ने बाहर से देखा था उनको, तो साइड में था, तो हमारे तो साइड में था, तो हमने देख लिया। हम मेरे को ऐसा क्रेज था कि इतनी भीड़ क्यों है, कौन बंदा है, इस तरीके से। तो ये हुआ था मेरे लिए, ये केस इसलिए शॉकिंग था क्योंकि जिस इंसान को मैंने इतने करीब से देखा और उसके खिलाफ इतना बड़ा केस चल रहा है, तो वो शॉकिंग था, उस टाइम पे तो मैं छोटा था। तो ऐसा हुआ, फिर ये बात है इंदौर की, जब एक बाप अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR लिखवाने के लिए आशाराम बापू जी के अगेंस्ट, कि इसने एक अंडर एज लड़की को, जो कि उसकी बेटी थी, उसको मोलेस्ट किया, सेक्सुअली हरास किया। पुलिस ने केस लेने से मना कर दिया क्योंकि क्राइम सीन था वो था जोधपुर। अच्छा, इंदौर का, हाँ, तो इंदौर की पुलिस ने ये केस नहीं लिया, उन्होंने बोला अगर ये जोधपुर का केस है तो आप जोधपुर में ही जाके FIR लिखवाओगे। अच्छा। और उस टाइम पे आशाराम इंदौर में था, इसलिए वो गए थे इंदौर में। क्या ये पुलिस वहां से नेसेसरी होता है क्या, कि मतलब तुम किसी स्टेट में अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, ये पहले होता था एक्चुअली, ये हाँ ये पुराने लॉज के अकॉर्डिंग होता था, अब 0 FIR इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे अभी पिछले अभी हुई है। हाँ, तो अब तुम कहीं पे भी आपके साथ क्राइम हो, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके केस कर सकते हो। फिर वो जोधपुर गए, जोधपुर में उन्होंने अपना फाइल रजिस्टर किया, FIR लिखवाई, और वहां से पुलिस को सारी परमिशन वगैरह लेनी पड़ी। पहले तो बच्ची का सारा कुछ वो हुआ, मेडिकल वगैरह हुआ, उसमें ये चीज प्रूफ हुई कि हाँ इसके साथ ये चीजें हुई हैं। फिर उसके बाद जब वो पुलिस, जोधपुर की पुलिस गई इंदौर बाबा को पकड़ने, जो कि इंदौर में उस बाबा का पूरा आश्रम था। अच्छा। तो वो वहाँ पे अपना बेसिकली नॉर्मली सरमंस वगैरह दे रहा था, जो भी प्रीचिंग कर रहा था। तो उसकी पुलिस जब वहाँ पे पहुंची, परमिशन लेनी पड़ी उसको इंदौर की पुलिस से भी, गवर्नमेंट से भी, सारी चीजें हुई। पहले उनको बहुत दिक्कतें आई क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स लेवल, DSP लेवल के लोग उनके फॉलोअर्स थे, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई। फिर भी कुछ ना कुछ करके उन्होंने, पुलिस ने सारा जो है पेपर वर्क अपने करे, कंप्लीट करे, और उनको अरेस्ट करने का प्लान बनाया।
जैसे ही उसके फॉलोअर्स को पता चल गया, बाबा के फॉलोअर्स को पता चल गया कि ये पुलिस आ रही है अरेस्ट करने के लिए, तो बहुत ही भीड़ में वो आश्रम के बाहर खड़े हो गए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे पुलिस के अगेंस्ट कि हम नहीं ले जाने देंगे, ये वो फलाना निगड़ा, तुम पॉलिटिकली फंसा रहे हो हमारे गुरु जी को और फलाना निगड़ा ये सब। तो पुलिस ने कुछ प्लान बनाया कि उन्होंने दिखा दिया कि हम आगे फ्रंट गेट से ले जाएंगे, तो वहाँ पे सारी सीआरपीएफ की वैन्स वगैरह आ गई और वो सारा कुछ अपनी शील्ड और लाठी वगैरह लेके पूरा सीआरपीएफ रेडी हो गई, पर पुलिस ने बैक डोर से उनको निकाल दिया। अच्छा। लोगों को लगा था कि यहाँ से निकालेंगे, तो वो लोग सारे वहाँ पे थे, वहाँ से वो निकलने ही नहीं देते लोग। अच्छा। पुलिस को वो रोक देते वैन्स को या कुछ भी करने लग जाते हैं। वो जाने लगे तो उनको डायरेक्ट इंदौर से जोधपुर की फ्लाइट नहीं मिली पुलिस वालों को, और पुलिस वाले नहीं चाहते थे कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट देना बाबा को, इसलिए उन्होंने कोई प्राइवेट जेट ऐसा कुछ भी बुक नहीं करा उनके लिए। यार ये ना बहुत ही अजीब चीज देखने को मिल रही है, जैसे हम नॉर्मली केसेस कवर करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि पुलिस ने अपना काम खराब किया। हाँ, लेकिन यहाँ पे उल्टा इसमें अच्छा काम, वो भी इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए उन्होंने सब किया, तो ये थोड़ा सा उसको अरेस्ट कर रहे थे। हाँ, वो अरेस्ट करके एक एफआईआर से। नाबालिग लड़कियों के साथ अगर आप रेप करते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट बच्चों के साथ करते हो, तो पॉस्को एक्ट लगता है, और पॉस्को एक्ट में जो है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। स्ट्रिंजेंट मतलब कैसे? एक बार मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट है सीधा। ओके। हाँ, और उसमें अगर नॉर्मल रेप में आपका माना जाता है कि सीरियस पेनिट्रेशन वगैरह, और अच्छा। पर अगर पॉस्को एक्ट में आप टच भी कर रहे हो ना, तो वो भी जो है ओरल सेक्स के अंडर वो चीज़ आ जाती है। नहीं, मैंने देखा मोस्टली पुलिस लोग थोड़ा लेट काम करती है, तो चीज़ बट इसमें उन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया क्योंकि फीमेल ऑफिसर्स थी इस केस में। क्या पता पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, हो सकता है, बट इस केस में स्पेशली फीमेल ऑफिसर्स थी जो कि एंड तक बहुत डटी रही थी। इवन जो इस केस के इंचार्ज थे मेल ऑफिसर्स, उनको तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई जोधपुर की, राजस्थान की गवर्नमेंट जब चेंज हो गई थी, बीजेपी आ गई थी, उन्होंने उस इंचार्ज ऑफिसर को वो भी कर दिया था, ट्रांसफर भी कर दिया था इस केस से दूसरे स्टेट में। हाँ, बट वो एक फीमेल ऑफिसर वो एंड तक रही थी, और उसने जो है अपना काम बिल्कुल अच्छे से किया, इसकी वजह से अच्छी बात है। और प्लस में इस बाबा को अरेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद इस बाबा के पास तो बहुत अच्छी लॉयर्स की टीम थी, जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर्स जैसे राम जेठमलानी, के मेनन, ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स भी इस बाबा के डिफेंस में लड़ रहे थे, और उनके पास तो कोई, क्योंकि वो गरीब लोग थे, उसके पापा आई थिंक छोटा मोटा कोई बिजनेस करते थे, और वो भी इस केस की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो बिजनेस बंद हो चुका था इस दौरान, इस पीरियड में। और उनको पुलिस कस्टडी में, सॉरी पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया था उनकी फैमिली को, क्योंकि इस बाबा के फॉलोअर्स जो थे सारे जो जितने भी क्या कहते हैं उनको, और इतने गुंडे लोग थे कि जो जितने भी इसके वो थे विटनेसेस उनको मार रहे थे खत्म कर, मतलब धमकी भी नहीं, मार रहे थे गंश किसी को। आई थिंक इनका एक विटनेस था जो कि बाबा के आश्रम में काम कर चुका था कुछ, और जब उसने देखा ये सब चीजें हो रही हैं तो वो छोड़ के चला गया था, और इस केस के दौरान में वो एज अ विटनेस आना चाहता था, उसको गन शॉट पे मार दिया गया पहले ही कोर्ट में आने से पहले ही, और कुछ विटनेसेस ने जिन्होंने गवाही दे दी उनको भी मार दिया गया, तो ऐसा मैसेज जा रहा था कि अगर आप गवाही दोगे तब भी मार दिया जाओगे और नहीं दोगे तब भी मार दिया जाओगे। यार इस समय पे वापस वही चीज सोच रहा हूँ कि पुलिस ने इस सिचुएशन में इतना सही काम किया। हाँ, जो कि नहीं देखने को मिलता। तो इस केस में विटनेसेस को तो डरा धमका के मार रहे थे, ठीक है, और दूसरी तरफ पुलिस ने जो है अपने विक्टिम की फैमिली को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा था, क्योंकि वो मेन थे, अगर वो खत्म हो जाते तो ये केस ही क्लोज हो जाता। और क्या कहा जाता है कि एक मिस्टर सोलंकी करके जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये केस फ्री में लड़ा था उनके लिए, विक्टिम के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, एक आदमी काफी है करके, मनोज वाजपेयी ने उसका वो किया है रोल, तो वो भी बहुत अच्छी है मूवी, आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स। और उसके बाद ये हुआ तो वो केस जीत जाते, और वो इवन बाबा ने ये भी प्रूफ करने की कोशिश करी कि वो बालिका थी लड़की, सोचो इस हद तक गिर गए। मतलब वो
इस हद तक वो गिर गए कि वो प्रूफ, क्योंकि उनके ऊपर वो जो एक्ट लग रहा था पॉस्को एक्ट, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसके बाद तो वो बच ही नहीं सकता था, तो वो बालिका प्रूफ कर रहा था ताकि उसके ऊपर कम सजा लगे, जब उनके पास कुछ नहीं बचा। तो ये बेसिकली ये उसको सैड बात यह है कि उसको लॉ पता है। हाँ उसको नहीं पता, लॉ नहीं पता उसके पास, इतने स्ट्रांग इंडिया का सबसे लॉ को ही खिलाफ यूज कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो क्रिमिनल लॉयर है राम जेठमलानी, उसकी डेथ अभी हुई है कुछ टाइम पहले, वो सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है इंडिया का था। अच्छा, राम जेठमलानी वो उसके केस में था। उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश करी कि ये अबव 18 है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फैमिली के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते, तो वो ऐसे प्रूफ करने की कोशिश करते। वो तो बाय गॉड ग्रेस वो जो लॉयर था जो सोलंकी था जो इस केस लड़ रहा था विक्टिम की तरफ से, तो उसने दिमाग लगाया और जो वो लड़की थी उसके पुराने स्कूल में से उसका 10th का सर्टिफिकेट बनवा के मतलब निकलवाया और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट स्कूल की डॉक्यूमेंट से प्रूफ किया कोर्ट में कि नहीं वो नाबालिग थी लड़की, और वो केस तब जाके वो जीते। और उसके बाद भी आज तक भी वो बाबा जेल में है, वो कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद भी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं इसके, ये ना ओपन चार्जशीट बन गई फिर। अच्छा, कि इसके बाद कोई भी उसका और कोई विक्टिम है ऐसी इस सेम टाइप का जो बाबा के थ्रू हुआ है क्राइम, वो अपना जो है बयान दे सकते हैं, ओपन चार्जशीट है। तो ऐसे और भी लोग आए जिनके जिनके साथ ये चीज़ हो गई थी और वो चुप थे, तो पता चलता है कि अभी भी है ये चल रहा है। नहीं बाबा तो अब मतलब लोग अभी भी आ रहे हैं तो इसमें से दो केस तो प्रूफ हो चुके हैं, तो अभी बाबा दो रेप के चार्जेस में अंदर है अभी करंटली। लोग तो इतना पागल है कि लोग जब वो बाबा जेल के अंदर था तो बस वो कुछ पानी ऐसे भोग लगाने के लिए देते थे, वो झूठा करता था पानी, और उस पानी को फिर वो टैंकर में डाल के फिर लोग पीते थे उसको। है? इस तरीके के लोग पागल हैं। अब तक भी ऐसा बोला जाता है कि वो ऐसा क्लेम करते हैं शराम कि मैं वहां पर जेल के लोगों को सुधारने के लिए गया। वो अच्छा, अपने आप को वो अंदर बुक लिखते हैं अभी भी वो अंदर से ये पीआर करते हैं कि मैं अंदर जेल के क्रिमिनल्स को सुधार रहा हूँ, इसलिए मैं गया हूँ, मैं इस मिशन पे हूँ, ये मेरे लिए वो था डेस्टिनी थी। हाँ, फिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरी जोगी की, बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत, फिर ना टिकने पाए है जोगी रे। उनके जो अभी तक जो सेवादार हैं उनकी मर्चेंडाइज अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, और जो हमारे पड़ोसी वो अभी भी मानते हैं। एक दिन वो आए भागे भागे कि देखो चांद में बापूजी दिख रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट। यार हर एक बाबा का ना एक टाइम होता है, तो जब आशाराम बापू का खत्म हुआ था उस टाइम पे, तो उसके बाद एक बाबा का सबसे ज्यादा नाम हुआ था, तो उसका नाम था बाबा गुरमीत राम रहीम। अरे भाई इसका तो उस बंदे को बाबा बोलना भी बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि वो तो भाई उससे ज्यादा ऑलराउंडर अभी मैंने नहीं देखा। तो वो इतना पावरफुल हो गया उसके बाद, जो उसका आश्रम था उसने वहीं पे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बनवा लिए थे, और डिज्नीलैंड जैसे। हाँ, लिटरली 7 बना रखे थे उसने वहाँ पे, जो जो थे उसको वहीं पे ताज कोटा में से एक वंडर्स पार्क है ना, वैसे ही उसने बनाया था, वहीं ताजमहल वहीं हर चीज जो जो थे उसके पास, खुद का हेलीकॉप्टर भी था। उस बंदे के फॉलोअर उसके वो कॉन्सर्ट्स कराता था, वो नहीं कराता था जो उनके वो होते हैं बाबाओं के सत्संग, सत्संग ही कराता था लिटरली। उसका यूनिवर्स था, और ऐसा बोला जाता है हनी सिंह के साथ भी कर चुका है वो कौन सा वो बहुत पावर पे जा चुका था, या हनी सिंह ने उसको म्यूजिक दिया ऐसा कुछ तो था, मतलब मैंने न्यूज पढ़ी थी। तो जब वो बहुत पावर में चला गया तो लोग उसको अंधों की तरफ फॉलो करने लग गए, उसकी मूवीज चलने लग गई, MSG करके मैसेंजर ऑफ गॉड बोलता था अपने आप को, उसने उसके 2-3 पार्ट्स निकाल दिए, लोग देख रहे हैं पागलों की तरह जा जाकर, बहुत सही चल रहा था उसका। पर उसने फिर उसके फिर चीजें बाहर आने लगी, आपको पता होगा साध्वी कौन होते हैं, साध्वी वो होते हैं जो साधुओं के साथ उनके साथ काम करते हैं, जो मतलब उनके डिसिपल्स बोल लो, लड़कियों को कहते हैं साध्वी, लड़कों को साधु बोलते हैं, तो लड़कियों को वो क्या होते हैं वो दासी एक तरीके से, दासी ना बोलो, दासी उनके साथ ही रह रही है और उनको
सर्व कर रही है, उनको साध्वी बोलते हैं। तो जो जर्नलिस्ट होता है उसको टिप मिलती है कि वहाँ पर दो साध्वियों ने उनको कनेक्ट किया था जर्नलिस्ट को कि हमारे साथ गलत हो रहा है यहाँ पर। तो उस वो बंदा वहाँ पे कोशिश करता है उस बात को उठाने की, वो कोर्ट में केस कर देता है उस पर उस बंदे को मार दिया जाता है जर्नलिस्ट को, है उस पर उसका मर्डर केस लगता है राम रहीम के ऊपर। और वो जो दो साध्वी का उसने रेप किया होता है तो वो केस बाहर आता है उसके बाद। वो क्या होता है, जब वो जर्नलिस्ट मरता है तो एक एनोनिमस टिप फिर उनको भेज दी जाती है उनके न्यूज़पेपर वालों को, और वो लोग उसको छापते हैं सच्चा सौदा करके एक वो न्यूज़पेपर में। वहाँ से पता चलता है कि दो साध्वियों का उसने रेप किया है राम रहीम ने, और जब वो चीज़ उठती है बाहर तो उसका बेटा जो होता है जर्नलिस्ट का, वो भी अपने पापा के लिए लड़ रहा होता है कि उसका मर्डर हुआ है, उसको मॉब लिंचिंग करवा देते हैं उसके फॉलोअर्स। और जब पुलिस उसको उठाती है राम रहीम को उसके वहां से आश्रम से, तो पंचकुला में वो रहता था उसका वहां पे, तो पंचकुला में हरियाणा में वहां पर दंगे हो जाते हैं, एटलीस्ट 41 पीपलों की डेथ होती है। न्यूज में देखी उसके फॉलोअर्स ने 41 लोग मार दिए जस्ट बिकॉज कि उसको अरेस्ट कर लिया है। बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए उसके फॉलोअर्स, सारे लड़ रहे हैं आपस में, बहुत रायट्स हो गए, बहुत कुछ हो गया। उसको जब जेल में बंद करते हैं वहां पर, उसके बाद धीरे धीरे और चीजें बाहर आती हैं। पता चलता है कि जिस बंदे ने एनोनिमस टिप्स भेजी थी ना उन लोगों को, वो वहीं डेरा में काम करता था उसके। उसका नाम रंजीत सिंह नाम था। तो जब उसको जेल में रख देते हैं तो वो वहाँ पे अंदर ही इंक्वायरी निकलवाते हैं कि किसने ये बात बताई थी अंदर की बात की एक्सप्लोइटेशन हो रही है अंदर ये सब। तो उसी की जो फॉलोअर्स होते हैं जो वहाँ पे मैनेजमेंट होती है वो पता करते हैं, तो रंजीत सिंह को भी मार दिया जाता है उसी का, जिस बंदे ने अनोनिमस टिप डाली थी, पकड़ लिया हुआ उसको भी मार देता। तो उसके साथ दो तीन और लोग जो थे जो इन्वॉल्व थे बड़े बड़े लेवल पे, उन सबको पकड़ा गया था। तो इसके बाद कोर्ट ने इसको हर एक रेप के लिए 10 साल की सजा सुनाई थी, तो दो बाहर आए थे तो दो केस के लिए ऐसे कर लिया था इसको, दो रेप केस के, क्योंकि डेथ तो मारे तो उसने नहीं थे ना, उसके फॉलोअर्स ने मारे थे तो उनको तो कुछ नहीं कह सकते। तो इसको डायरेक्टली जो पनिश किया गया वो रेप केसेस के लिए किया गया था, और 15 लाख की कंपनसेशन दिलवाई गई थी। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं हुआ जो उसको मारा, उसके क्या नाम था, रजत, रंजीत सिंह, रंजीत को मारा। और वो बहुत चीज़ें तो ऐसी थी कि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, कुछ तो ऐसी थी जब वो उसके बाद उसके आश्रम में जब तहकीकात हुई तो उसकी जमीनों से डेड बॉडीज भी निकली थी। अरे हाँ, ये तो मैंने भी न्यूज़ में देखा। न्यूज़ में तो मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, बहुत ही काल निकले उसके वो सेवन वंडर्स वाली जगह में से ही काल निकले। तो अब वो क्या था कि कोई भी डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकता क्योंकि वो तो जेल में था। आपको पता होगा अगर वो जेल में है तो उसको कैसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं कि वहां पे अगर मर्डर हो रहे हैं तो, ना तो ये हुआ था। तो इसलिए तो वो भी तो है, नाम लूं उसका किसका ना, वो जेल बैठा है पर वो तो खुद से बताता है ना मैंने करा है। तो क्या हुआ कि उसको फिर 20 साल की सजा हो गई, अभी भी वो जेल में है। और अभी भी आप मानोगे नहीं, उसके चैनल से वीडियोस आती हैं अभी भी। अरे कैसे, वो मैंने वो वाली ऊपर से वॉइस रिकॉर्डिंग में आती है, पर आती हैं अभी भी, आती हैं। वो अभी भी प्रीच कर रहा है अंदर से, लोग अभी भी फॉलो ये सारे ही कर रहे हैं। अच्छा, वो जो अभी वो वाला म्यूजिक प्रोड्यूसर वाली वीडियो वायरल हुई थी वो कब हुई थी, वो बनी कब, वो बहुत पुरानी थी, पुरानी है, वायरल हुई थी ना। एक जो वेब सीरीज है उसकी आश्रम, बॉबी देओल की आश्रम करके, वो इसी के ऊपर ही है समहाउ समवॉट। और सबसे ज्यादा इत्तेफाक की बात है कि ये जो बाबा बनते हैं इनके नामों में 10-10 भगवानों के नाम आ रहे होते हैं तभी ऐसे काम कर जाते हैं। आशा राम, राम रहीम, रहीम सोच राम रहीम। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना अपना ही रिलीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हो। अभी तुमने अपना रिलीजन का बोला ना, मैं एक बताता हूँ, एक ऐसा बताता हूँ कि वो बाबा नहीं, वो स्वामी नित्यानंद, उसका भी ओवरऑल ऐसा ही केस था कि उसके ऊपर भी रेप एलिगेशन थे, मर्डर एलिगेशन थे। और उसके बाद अब ये बंदा क्या कर रहा था, इसने तमिलनाडु में, इसका मेन ऑपरेशन था तमिलनाडु में, इसको एकदम अच्छे से फॉलोअर्स था, तगड़ा फॉलोअर्स था। और क्योंकि ये बाबा, ये स्वामी जो था, ये इंग्लिश में भी प्रीच करता था, उन्होंने एक वीडियो देखी होगी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ऐसे करके उसने एक उसको बोला था कि ये गलत है। अच्छा, न्यूटन के लॉ को बोला था ये गलत है। अच्छा ठीक है। और पता नहीं बहुत उसने ये बहुत बहुत चीज़ें बोली उसने उसका, क्योंकि वो इंग्लिश में करता था, क्योंकि वो इंग्लिश में करता था तो बाहर यूएस से अमेरिका वहाँ पर भी इसके आश्रम खुल गए, यही फायदा होता है स्वामी का। और इसके भक्त लोग जो भी थे फिर वहाँ से जो वाइट लोग थे वो फ्रेंचाइजी खुल रही है भाई होता है। और इसके सारे मिडिल क्लास के लोग थे जो फॉलोअर्स थे और अपर क्लास के लोग थे। और जब ये रेप एलिगेशन मर्डर ये जब बाहर निकला ना, बाय एनी चांस जब निकला तो ये भाग गया।
ये भाग गया, ये भाग गया होगा। दूसरी और पता है क्या बाद में न्यूज आती कि इसने अपना कंट्री स्टार्ट कर दिया, इसने अपना कंट्री स्टार्ट कर दिया, इसने अपने फॉलोअर्स को बोला कि ये कंट्री है हिंदू के लिए, हिंदू लोगों के लिए, सब हिंदू लोगों के लिए। उसका नाम क्या है? कुछ मैंने देखा था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री है कि इसने यूएन में भी ये अपना वो मांग रहे थे रिकॉग्निशन एज अ नेशन स्टेट। इसकी वो गई थी, इसकी रिप्रेजेंटेटिव प्रिया करके कुछ था जो उस वो भी गई थी यहाँ पर, वो जो तू बोल रहे उसी के लिए गई थी, क्योंकि इनका खुद का करेंसी है, खुद का नेशनल ट्री है, नेशनल। तो ये खुद यूएन में भाई रिकॉग्निशन मांग रहे हैं एज अ नेशन स्टेट, क्योंकि जिस टाइम उसको रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो जो भी एलिगेशन है नहीं। और तू देखेगा ना वो बंदा कैसे रहता है, जैसे किंग हो सोने का वो मुकुट पहनेगा और ज्वेलरी पहनेगा, उसको वो पुराने टाइम के जो किंग्स होते थे उसकी तरह वो बोलते हैं हमारे किंगडम में जो है गाय लोग संस्कृत और मंकी लोग संस्कृत में बात करेंगे। ऐसा एक और है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही धर्म या एक ही जगह पे लिमिटेड है, ये धर्म से आगे निकल चुके हैं क्रिश्चियनिटी में, और सबको पता है कि तुम्हें वो मीम पता ही होगा मेरा यीशु यीशु, तुम्हें तो पता ही होगा। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हां बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, बोलने लगी मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। तो ऐसे ही बंदा है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह भाई, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी चीज छुपी है, छुपी तो नहीं अब सामने है, एक रेप का चार्ज उनके ऊपर भी है। हर बाबा मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता बाबा और रेप का क्या एक वो है, पावर आ जाती है ना इनके फॉलोअर्स कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हाँ तुम एक इंसान को ही खुदा बना रहे हो, तो ये मतलब क्या चीज है। अभी एक नेटफ्लिक्स पे वो डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक सीरीज आई है महाराज करके, महाराज आमिर खान की बेटी। हाँ उसमें जो बाबा है या जो भी स्वामी बना है वो उसने इस तरीके से ये चीज को बना दिया है सोसाइटी में कि लड़कियां मेरे पास आ रही हैं अपनी सेवा देने के लिए, ये चीज एज अ वॉलंटियर कर रही हैं। हाँ वॉलंटियर, और लड़कियां कर रही हैं और वो बहुत खुश हो रही हैं ये चीज करके कि हमें जो ये वो मिली अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। अच्छा भाई बेसिकली ये इसको ब्रेन वॉश बोला जा सकता है। देखो 90% लड़कियां आती होंगी खुद से, पर जो होता है जब तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि लड़कियां खुद आ रही हैं तो कुछ वो उनको लेना चाहेंगे जो नहीं आना चाह रही। भाई वो उनको वो अगर गाइडेड है तो तुम्हारा काम है उनको गाइड करो एज अ बाबा या फिर एज अ प्रॉफिट या जो भी हो तुम्हारा। कोई बिजनेस है यार ये, प्रॉफिट बोलते हैं ना खुद को। ये जो बाबा लोग है ना ये इस चीज को ऐसे सेल करते हैं, ये बोलते हैं अपने डिवोटीज को बोलते हैं कि तीन टाइप की सर्विसेज होती है, सर्विस टू योर सब्सक्रिप्शन कुछ भी बोल सकते हो, तीन टाइप की सर्विस, सर्विस टू योर मैसेंजर या फिर सर्विस टू योर गॉड। वो पहले बोलते हैं एक होता है मन से सर्विस करना, जैसे कि आप चैंट करते हो कोई मंत्र या फिर आप कोई बुक करो या भजन करते हो, ये होता है मन से सर्विस करना। एक होता है धन से सर्विस करना या डोनेशंस देते हैं हम जैसे जो लोग, अच्छा, तो डोनेशंस देना। एक होता है तन से सर्विस करना, ओ जो खुद का बदन दे देते हैं। ये एक मिनट ये तू बोल रहा है, फिर ये है तभी तो लड़कियां देख जो तभी तो जो भोली वाली लड़कियां होती है स्ट्रैप में फंस जाती है, और जिनको वो नहीं फंसा पाते वो रेप होता है विदाउट कंसेंट। तो ये चीज होती है या तो वो दूसरों को देख के भी चले जाती होगी, बट जब उनका कॉन्शियस कहता होगा हाँ वो तो एक तरीके से हिप्नोसिस बोल सकते हैं। ये चीज ये अपने फॉलोवर्स कैसे बढ़ाते हैं हिप्नोटाइज करके लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। एक चीज सच में मतलब बहुत ही तुम्हें लगेगा कि ऑफ टॉपिक है लेकिन नहीं है, वो मतलब बुराड़ी केस जैसा हुआ था उसमें भी तो ये वो छोटा एक फैमिली इन्फ्लुएंस वही है बेसिकली हिप्नोसिस मान लो इन्फ्लुएंस बोलना। और अभी एक हफ्ते पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी उसमें द हिंदू उसमें इंडियन एक्सप्रेस में उसमें था कि जो ईशा फाउंडेशन है जो कोयम्बटूर में एक बहुत अच्छी जगह है सदगुरु द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन। सदगुरु भी जो तेरा जो जैसे बाबा नित्यानंद वो भी इंग्लिश में सरमन देता है बाहर जाता है फॉरेन में बहुत फूल बनता है बहुत फॉलोइंग है उसकी पॉडकास्ट में जाता है
और उसका जो ये उसका आश्रम को ईशा फाउंडेशन बोलते हैं। तो अच्छा। तो एक पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट करी है ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट, वो और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी अंडर एज डॉटर्स को, दो डॉटर्स को वहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है। और जब पुलिस गई वहाँ पे पहुँची तो पुलिस ने जब लड़कियों से बातचीत करी तो उन लड़कियों ने बोला है कि हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं। सोचो अंडर एज लड़कियाँ अपनी मर्जी से वहाँ रह रही हैं और उनके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये हिप्नोसिस अंडर एज है ना, अंडर एज है ना, तो पेरेंट्स पेरेंट्स की पेरेंट्स का कंसेंट मैटर करता है। हाँ वही तो, हाँ ये भी तो बोला। हाँ पेरेंट्स उनके डॉक्टर है, सोच वो डॉक्टर्स। हाँ बट ऐसे ही एक उसमें था क्रिश्चियंस का एक वो था, तो उसमें वो पता है क्या बोलते थे, वो बोल रहा था, वो बहुत पुरानी न्यूज है, मेरे को नहीं पता अभी तुम्हें मिलेगा नहीं, बट एक पास्टर था वो बोलता था कि तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा का चाबी मैं खरीद के रखा है मेरे पास, उसको खरीद लो और तुम्हें वो स्वर्ग का एंट्री तुम्हारा कंफर्म है। ओ भाई तो वो चीज सोच कैसे सेल कर रहे हैं ये रिलीजन, पता है इन्हीं इन्हीं चीजों की वजह से हम मतलब मेरे को गुस्सा आता है ऑब्वियसली। लोग बोलते हैं ना कि चावल का बैग लेके तुम मतलब धर्म चेंज कर रहे हो, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है क्योंकि कुछ लोग इस धर्म को यूज करके ये सारी चीजें बेच रहे हैं। मतलब तुम स्वर्ग को कैसे बेच सकते हो यार, और वो भी एक इंसान कर रहा है जिसको मतलब खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान स्वर्ग बेच रहा है। सोच मटेरियलिस्टिक बना दिया उसको और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात तो ये एक ऐसा एक और था, मतलब एक ऐसा एक और पास्टर था जो जो मतलब ऐसा होता है कि वो ना होली स्पिरिट ऐसे भेज देते, तो वो जब होता है ना तो लोग ऐसा ऐसा टाइप का देते ना, तो लोग ऐसे नाच रहे। अबे तूने वो देखा है, नाच रही हूँ तूने वो देखा है, ये इंडिया में नहीं होता, ये बाहर भी होता है। जैसे दुआ करेंगे यूं नीचे गिरा दे, तो देखा तूने वो तो पास्टर वही तो था तेरा, वो क्या नाम है, नहीं ये तो अब क्या है। अरे आप किसी बात कर रहे हो, ऐसे गिरा देते हैं मतलब पानी में, पानी में नहीं जैसे जमीन में गिर जाते हैं। मैं तेरे ना जो भी आ रही थी और ऐसे सब सब गिर रही थी, सर गिर रही है, गिर रही है। ये पेड एक्टर्स होते हैं, पेड एक्टर्स होते हैं कई कई केसेस में, तो बच्चों को भी उन्होंने ऐसे ट्रेन कर रखा है कि पहले मेरी बहन चल नहीं पाती थी चलने लगी। कॉन्सर्ट्स होते हैं ना हमारे यहाँ, हाँ। उनकी वो टिकट खरीद नहीं पाते हैं, हाँ। ये लोग फ्री में करते हैं, सही में सारी कसर वही कर दिए हो तो ये, और वो सारे परफॉर्मर बने हुए हैं। रात टाइम को देख ले, आजकल तो इतने मीम बनते हैं कि जिनका नाम ANPS से शुरू होता है उनके घर में फॉर्च्यूनर आने वाली है, उनकी सरकारी नौकरी लगने सरकारी नौकरी लगने वाली है। एक वीडियो थी उसमें बच्ची को कह रहा बहुत क्यूट हो, जैसे तुम्हारे पापा नई गाड़ी लेने वाले हैं। हाँ। पर कुछ भी को सबसे बढ़िया एक वो अपना बाबा है, पुगी पुगी बाबा। अरे भाई उसका ना मतलब भाई तू गलत बोल, अच्छा बोल, कुछ भी बोल, बंदा बढ़िया। वो जो एग्जांपल्स देता है ना वो अच्छे होते भाई, सैवेज बंदा है भाई वो, जेंजी बना है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या पता उसने इंटरनेट की ऑडियंस को हिप्नोसिस कर लिया, सारी जेंजी फॉलो करती है, जेंजी फॉलो करती है। ऑडियंस का तो नहीं पता लेकिन एल्गोरिथम उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ लिया है, मतलब हर जगह पे वो है। अच्छा चल रहा है उनका, तो बिग बॉस में आए थे वो, बिग बॉस में आए। अरे पता है सारे पॉडकास्ट में जा रहे हैं, बिग बॉस में आके जब बहुत ज्यादा उनको नेगेटिव कमेंट्स आए ना तो उन्होंने माफी मांगी और बैक ऑफ कर लिया, बाहर आ गए। मतलब वो बाहर अंदर थोड़ी गए थे, तो ऐसे जज कहते गए वैसे, हां मतलब वो अपीयरेंस दी थी ना, तो उसी में लोग थोड़े से ना उनके फॉलोअर्स मैंने देखे हैं कि हां मैच्योर है, दिमाग है कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए अगर आप कुछ फिगर हो। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी सेम वही है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो ऐसे हैं कि नहीं, पर उनके फॉलोअर्स जिनके लिए लड़ना होता है वो लड़ क्या पता, ये सारे ट्विस्टेड हैं ये। देखो पहले जब वो रील्स बन रही थी तो उनका मजाक ही बनाने के लिए बनाई गई थी कि वो ऐसे लिटिल क्रिश्चियन की एक्टिंग कर रहे हैं, वो बच्चों के गेम्स खेल रहे हैं, वो सब करते रहते हैं जान के बच्चों वाली हरकतें करते हैं। बट उसके बाद कुछ कुछ चीजों में ऐसे आंसर आने लग गए, ऐसे करके मुझे लगता है वो मीडिया को ट्विस्ट करने के लिए किया गया कि नेगेटिव कोई और पॉजिटिव में यूज कर रहा है, पीआर अच्छा पीआर किया। ये मीम पेजेस वालों को तो आप पैसा दोगे तो ये पॉजिटिव पीआर कर देंगे, ये पहले नेगेटिव करते हैं। आप मानोगे उनकी वीडियोस देखी हमने तो उनमें वो
लिटरली पैकेजेस बेच रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ना अपने यहाँ पे एक आश्रम बना रखा है, वृद्ध आश्रम, वहाँ पे मैंने 100 माँ रख रखे हैं जिनको घर वालों ने निकाल दिया उनके। इनका नाम क्या है? मेरे को इनका नाम है अनिरुद्ध आचार्य। तो वो कहते हैं कि मैंने ना, तो उन्होंने पैकेजेस बना रखे हैं कि 35,000 रुपए में एक साल के लिए आप एक माँ को अडॉप्ट कर रहे हो, 1,00,000 रुपए में आप एक माँ के लिए घर बनवा रहे हो वहाँ पे, ऐसे बोलते हैं। और इसका कुछ वो है कि कहाँ जा रहा है मेरा पैसा, क्या हो रहा है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बस आप वहाँ जाके कहते हैं देख लो आके वहाँ पे मैंने माँ रख रखी है। कुछ औरतें तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा अमाउंट वन यार, आप मानोगे संस्था से लिटरली यूट्यूबर्स की तरह उन्होंने अपना, जब उनके ऐसे मिलियन व्यूज होने वो फॉलोअर्स होने वाले थे, जैसे लाइव वो चला रखा था और जैसे उनकी मेन लाइव सब कम उनकी, और वो सोच सरमन दे रहे हैं जैसे वो भागवत का वो कर रहे हैं पार्ट, और बीच में वो ऐसे अनाउंस भी कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप मानोगे इतने मिलियन होने वाले, बड़े बड़े कैमरा लगा के वहाँ पे लाइव शूटिंग होती है ना वहाँ पे उसी टाइम पे उनकी चीजों को, तो उनका मेन इनकम तो यूट्यूब से भी है। मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने एल्गोरिथम पकड़ लिया है, इनका मेन इनकम है यूट्यूब से, मैं बता रहा हूँ। ये चीज तो बाद में ही है, पहले वो पहले से कर रहे हैं चीज, और बहुत सारे चैनल हैं कि एक नहीं है, बहुत सारे किसी को मतलब अगर कुछ फिगर बन रहे हो ना तो हम रोक नहीं सकते एज इंडियन, तुम्हें भी पता है कि लोग ढूंढते हैं फिगर्स को, ढूंढते हैं लोगों को लीडर चाहिए जिनको वो फॉलो कर सके। एग्जैक्टली, ज्यादातर जो लोग हैं वो फॉलोअर्स हैं, लीडर बहुत कम है, वो चाहते हैं उनको कोई बताए, उनको कोई लीड करे, लेकिन कौन सही कर रहा है वो जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी है। तो कॉन्शियस रहो और लोगों को ऑब्जर्व करो, तब किसी को फॉलो करो। हाँ, ये हमारा मैसेज है। चल जाए।